डियर स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार अनबल स्कूल सिगवंज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपको क्लास सेवन की विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर पादप में पोषण जो बताने जा रहा हूँ। तो आइए हम पादप में पोषण के बारे में पढ़ते हैं। पादप में पोषण सबसे पहले भोजन के घटक के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी सजीव वो पेड़ पौधे हों या जीव जंतु, कोई भी उनका भोजन के घटक होते हैं। सबसे पहले भोजन के घटक कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज पदार्थ और जल। ये सभी जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन ये भोजन के घटक कहलाते हैं। अब दूसरा टॉपिक है पोषक। पोषक क्या होता है कि जो भोजन के घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पोषक। हमारे शरीर की वृद्धि के लिए या शरीर में होने वाली क्रियाओं के लिए जो भी पोषक आवश्यक भोजन जो घटक आवश्यक है वो हमारे सारे क्या कहलाते हैं? पोषक कहलाते हैं। अब आता है पोषण। पोषण क्या होता है? किस जीवों में वृद्धि या शरीर की क्रियाओं के लिए एवं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो भोजन ग्रहण करने की विधि कहलाती है उसे हम पोषण कहते हैं। पोषण को एक बार वापस सुन लीजिए। भोजन करने की विधि है लेकिन किसके लिए? शरीर की वृद्धि और शरीर में होने वाली क्रियाएं और शरीर को क्रियाएं जब होगी तब ऊर्जा होगी, तभी क्रिया। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो भोजन को ग्रहण करने की विधि पोषण कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे पोषण के आधार पर सजीवों को वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कुछ वर्गों में इसको वर्गीकृत किया है। सबसे पहले स्वपोषी, पोषण के आधार पर, ठीक है। तो स्वपोषी किसे कहते हैं? वे जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। खुद ही अपने अंदर ही जो भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम जीव को हम स्वपोषी जीव कहते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं स्वपोषी? हरे पेड़ पौधे एंड नील हरी शैवाल, ठीक है, ये नील हरी शैवाल। अगला है विषमपोषी। विषमपोषी क्या होते हैं? कुछ जीव भोजन के लिए पेड़ पौधे या अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, उन्हें हम जीवों को विषमपोषी कहते हैं। विषमपोषी कौन कौन से होते हैं? शाकाहारी, जो पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। मांसाहारी, जो अन्य जीवों को मार कर खाते हैं। सर्वाहारी, जो दोनों पर निर्भर रहते हैं, पेड़ पौधे और जीव जंतु पर भी निर्भर रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके स्वपोषी और विषमपोषी। अगला टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण एक विधि है जो पौधे में अपना भोजन स्वयं बनाने की विधि है। तो आइए प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है। तो सपोज मैंने एक डायग्राम के थ्रू आपको बताया है कि कोई भी हरा पेड़ पौधे होते हैं उन्हीं में ही जो हरे हैं उन्हीं में ही पौधे के किसी भाग कोई भी भाग हो यदि वो हरा है। हरा किस लिए ये भी बता देता हूँ कि जिसमें क्लोरोफिल, क्लोरोफिल को हिंदी में कहते हैं हरित लवक, जिसमें हरित लवक पाया जाता है वो भाग हरा हो जाता है। हरित वर्णक भी कह सकते हैं, हरित लवक भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जिसमें हरा रंग या हरित हरा रंग पाया जाता है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल जहाँ मौजूद है वही प्रकाश संश्लेषण होगा। पौधों में हरा रंग ज़्यादातर आप पत्तियों में देखने को मिलता है। यहाँ पत्ती का डायग्राम मैंने बताया है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? पत्तियों में होता है, ठीक है। पत्तियों के अंदर सूर्य का प्रकाश और जड़ के द्वारा क्या होता है? जल, खनिज लवण के साथ साथ में अवशोषण होता है जो जड़ों के द्वारा इन जड़ों के अंदर और ठेठ शाखाओं से होते पत्तियों तक। कुछ वाहिकाएं जो आपने पढ़ी थी जाइलम, जाइलम के अंदर जो वाहिका है वो सारे भागों में मौजूद होती है जिसके द्वारा जड़ों के द्वारा जल व खनिज लवण पत्तियों तक पहुँचता है और पत्ती के आसपास जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है उस पत्ती के अंदर विसरित होती है। विसरित कैसे होती है कि पत्तियों के अंदर कुछ सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिसको हम रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र। रंध्र की खुलने और बंद होने का एक अलग ही प्रोसेस है जो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इन रंध्रों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर विसरित हो जाती है और सूर्य का प्रकाश गिरता है जिसके अंदर ये जो पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल है वो सूर्य के सौर ऊर्जा को किसमें बदल देता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। साथ में जल, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश तीनों मिलकर पौधे के अंदर कार्बोहाइड्रेट बनाता है जिस जो संचित होकर स्टार्च में बदल जाता है, ठीक है। तो आइए इसको एक आउटलाइन की एक अभिक्रिया के द्वारा बताएं। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल के अंदर अवशोषित होता है जिससे क्या बनता है? भोजन, कार्बोहाइड्रेट व ऑक्सीजन। इसी विधि में पौधे की इसी प्रकाश संश्लेषण विधि में ही हमें क्या मिलती है? वापस यहाँ से ऑक्सीजन बाहर आती है जो जीवों के लिए, जो अन्य जो जीवधारी हैं उनके लिए आवश्यक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का ये एक रासायनिक अभिक्रिया है
आपके जो ये इस चैप्टर के अंदर ये दी गई है, ठीक है, तो याद रखो। तो ये भी स्टार्च का जो है या कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला C6H12O6 होता है, जिसको स्टार्च कहते हैं। अब ये तो प्रोसेस हो गई प्रकाश संश्लेषण के पौधे में होने वाली विधि को समझाया। प्रकाश संश्लेषण क्या हुआ कि पौधे में सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा जो भोजन स्वयं बनाने की जो विधि होती है, उस विधि को हम प्रकाश संश्लेषण विधि कहते हैं। ठीक है, आपने इस भोजन के घटकों के अंदर आपका यहाँ क्वेश्चन, मतलब भोजन के घटक कौन कौन से हैं, दूसरा आपका यहाँ बन सकता है पोषण के आधार पर स्वपोषी विषम पोषी के बारे में बताइए। तो पौधे में गैसों का विनिमय इस रंध्र के द्वारा होता है। आइए रंध्र के बारे में पढ़ते हैं। रंध्र का ये डायग्राम है। रंध्र में ये जो बार सेम के आकार की, सेम का बीज के आकार की ये कोशिकाएं कहलाती है द्वारक कोशिकाएं। इसके पास वाली जो कोशिका होती है इसको कहते हैं सहायक कोशिका। इसके बीच में ये रंध्र या छिद्र होता है। ठीक है, तो ये कैसे और गैसे एक्सचेंज होती है, तो सबसे पहले सहायक कोशिका में जल अवशोषण होता है। जल के द्वारा फिर जल कहाँ पहुँचता है, विसरण के माध्यम से द्वारक कोशिकाएं। द्वारक कोशिका फूलती है। इसकी बाहर वाली भित्ति थोड़ी पतली होती है, अंदर वाली भित्ति थोड़ी मोटी होती है, जिसके कारण ये द्वारक कोशिकाएं थोड़ी सी पिचक जाती हैं और जिसके कारण ये बाहर की ओर थोड़ा सा प्रेशर करती है, जिसके कारण दोनों कोशिकाएं आपस में पिचक कर रंध्र खुल जाता है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड अंदर और ऑक्सीजन बाहर हो जाती हैं। इसी द्वारा गैसों का विनिमय इसी रंध्र के द्वारा ही होता है। अब आपको यहाँ एक क्वेश्चन और भी है कि किसी भी पौधे में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा। तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो सबसे पहले ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ऑक्सीजन के साथ साथ भोजन भी नहीं मिलेगा। तो जीवों के जीवन के लिए ऑक्सीजन और भोजन का बॉन्ड बहुत ही होना जरूरी है। अगर ये प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो प्रकृति के अंदर जीवन होना असंभव होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।